जैसे लेडीज सिंदूर लगाती हैं ना, तो क्या है कि ये वैल्यू सिस्टम है ना, इससे पता लगता है कि हाँ वो शी इज़ अ मैरिड लेडी, शी इज़ अ चेस्ट लेडी, शी हैज़ गिवन हर लाइफ एंड बॉडी टू टू हर हस्बैंड। तो ये वैल्यू सिस्टम है। ऐसे हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते करते भाव क्या है कि मैं शरणागत हो रहा हूँ भगवान के प्रति, अपना पूर्ण सर्वस्व भगवान को दे रहा हूँ। इसलिए जब हमारे परंपरा में प्रणाम किया जाता है तो कैसे किया जाता है, लेट के किया जाता है, तो बाहर वाले लोग घबरा जाते, बोले क्या कर रहे हैं ये, गिर पड़ क्यों रहा है यहाँ पे, बोले ये प्रणाम करना, प्रणाम तो ऐसे होता है जी, या जैसे ऐसे ऐसे पैर छू लो जी, बस हो गया प्रणाम, ये लेट पेट किया क्या कर रहे हैं ये लोग, उनको समझ नहीं आती है। बट दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंप्लीट सरेंडर, इसको दंडवत प्रणाम बोला जाता है। दंडवत मतलब जैसे दंडा गिरता है ना बिल्कुल, तो ऐसे ही हम भी बिल्कुल गिर रहे हैं, विनीत भाव से हम भगवान के शरणागत हो रहे हैं। तो प्रणाम करते हुए उसका भाव क्या है कि भगवान के चरणों को पकड़े हुए हैं हम। अब किसी के चरण पकड़ने हैं तो क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। एक्सटर्नल हम प्रणाम कर रहे हैं मगर इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं, और झुकना बहुत बड़ा गुण है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, झुकना सीखना पड़ेगा। बिना झुके कोई आगे बढ़ नहीं पाया, तने रहेंगे अड़े रहेंगे तो फिर खड़े रहेंगे, इस भौतिक संसार में बने रहेंगे। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त ही ना, हमने क्या किया है, गृह व्रतानाम, इस भौतिक संसार को अपना घर बना लिया और व्रत ले लिया कि यहीं रहेंगे हम। जैसे बिल्डिंग खड़ी रहती है ना, तो ऐसे हम भी खड़े हैं, हम झुकेंगे नहीं, मगर आगे बढ़ना है तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के धाम का जो रास्ता है वो नीचे से जाता है, वहां को कूद के मार के नहीं जा सकते आप, कि वो एक दीवार होगी, दीवार पे कूद लिया जी पहुंच गए वहां पे, ना। आप संसार में कितने बड़े क्यों ना हो, कितने धनी क्यों ना हो, कितने ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, कितने ज्ञान क्यों ना आपके पास, कितने सुंदर क्यों ना आप, और उसके बाद भी आप खड़े के खड़े धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने झुकना नहीं सीखा, क्योंकि भगवान के धाम का रास्ता नीचे से है, छोटा सा एक होल है उसमें, वही व्यक्ति जा सकता है जो उस होल के साइज का है। जैसे दरवाजा है, इस दरवाजे से आप हाथ ही नहीं घुसा सकते अंदर ना, इसकी लिमिटेशन है। तो ऐसे ही भगवान के धाम में जाने का रास्ता क्या है, उसका साइज कितना है, साइज कितना है, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, केश के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, केशाग्र से शत भाग से, और ये साइज है आत्मा का। दैट मीन्स कि जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं आएंगे तब तक भगवान के धाम घुस नहीं पाएंगे। आत्मा मतलब केवल आत्मा, अभी क्या है, अभी आत्मा के साथ बहुत सारी और चीज़ें लगी हुई हमारे साथ, हमारे शरीर की कंपोजिशन क्या है, आत्मा हूँ मैं, उस आत्मा के ऊपर एक सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, किस चीज़ की बनी है, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो। सो माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की वो बनी है, मन बुद्धि मिथ्या अहंकार, और उसके ऊपर एक ग्रॉस बॉडी है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर की बनी है। ये स्थूल शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, साथ में सूक्ष्म शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स उस अहंकार को भी त्यागना पड़ेगा, तब जाके भगवान के धाम में हम प्रवेश कर पाएंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम कैसे, भगवान के इस धाम में आके झुकने की, ताकि जब भगवान के उस धाम में पहुंचे तो पूरे झुके हुए पहुंचे ना, बिल्कुल तैयार हों। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो अभी आप प्रयास करें, ये भक्ति का, ये भक्ति नहीं है, दिस इज ट्रेनिंग फॉर भक्ति, अभी भक्ति की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। गाड़ी चलाना सीखना आपको तो सीधा गाड़ी नहीं ले जाते हैं, उसके लिए पहले उसको सीखा जाता है अलग से फील्ड में। तो ऐसे ही अभी भक्ति का एक भगवान ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, इसमें हम सीख लें ना, झुकना सीख लें, प्रणाम करना सीख लें, अहंकार को चूर चूर करना सीख लें, उस भाव में फिर हम प्रवेश कर पाएंगे भगवान के धाम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ठाकुर जी के सामने झुकते हैं। तो दो प्रकार के प्रणाम होते हैं, तो जो प्रभु जी करते हैं वो है साष्टांग प्रणाम, और जल्दी माता जी उनका जो शरीर का स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए वो पांचांग प्रणाम करती हैं। तो माता जी इसको साष्टांग प्रणाम, पूरा दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनके लिए पांचांग प्रणाम है ना, हाफ ऐसे झुके, और प्रभु जी पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम। तो साष्ट अंग मतलब आपके 8 अंग जमीन को छू रहे हैं, उनसे आप प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। कौन कौन से हैं वो 8 अंग, अपने सिर, हाथ, पैर, अपना हृदय, हमारी जो जंगा है, हमारी आँखें हैं, हमारे वचन और हमारे मन। तो इस प्रकार से हम साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, और पांचांग प्रणाम में हमारा फोरहेड आता है, माइंड, चिन, चेस्ट एंड नीज, इस प्रकार से हम पांचांग प्रणाम कर रहे हैं। तो इस कोण में आते हैं हम लोग तो देखते हैं कि ये लोग थोड़े से टेढ़े लोग हैं, क्योंकि प्रणाम भी टेढ़ा करते हैं, भगवान सामने खड़े हैं प्रणाम इधर मारते हैं लोग, क्या हो गया इनको, सच में जो पीक बाबू गाते हैं लोग इस कोण वाले है ना, दम मारो दम वाले ये लोग हैं, उनको पता नहीं कहाँ प्रणाम करना है। अरे ठाकुर जी सामने तो वहाँ प्रणाम करो ना, ऐसे मुंह करके ऐसे क्यों प्रणाम करते हैं, वहाँ पर दूसरी दिशा में हवा में प्रणाम कर रहे हैं, तो ऐसे टेढ़ा क्यों प्रणाम करते हैं, अरे भगवान ऐसे हैं तो ऐसे प्रणाम क्यों किया जाता है। टेक्स्ट में बताया जाता है कि हमारा जो दिल है वो कहाँ है, और लेफ्ट, आवर हर्ट इज ऑन लेफ्ट साइड, तो हम भगवान को अपने लेफ्ट में रख कर प्रणाम करते हैं, तो ये दर्शाने के लिए कि आई हैव गिवन माई हर्ट टू कृष्णा,
ये जो भी विष्णु मूर्ति है, जो भी विष्णु तत्व है, वो मेरे हृदय में है, मैंने अपना हृदय उनको दिया है, इसलिए वो मेरे मैं उनको अपने बाई साइड में रखता हूँ। इसलिए जब भी विष्णु विग्रह को प्रणाम किया जाता है, अपने बाईं ओर रख के प्रणाम किया जाता है, तो इस प्रकार तो आपके लेफ्ट साइड पे वो विग्रह रहेंगे। इसलिए यहाँ पे सामने ऑल्टर है तो आप ऐसे प्रणाम करेंगे। और वैष्णवों को सामने रख के प्रणाम किया जाता है, जो भी वैष्णव है ना उनको सामने प्रणाम किया जाता है, और जो भी देवी देवता हैं उनको अपने राइट साइड पे रख के प्रणाम किया जाता है, तो उनको भी प्रणाम करना है। कई बार हम आते हैं इस्कॉन में तो हमें लगता है कि अरे ये तो देवी देवता है, बस ऐसे ही छोटे छोटे लोग हैं, नहीं, वो बहुत बड़े भक्त हैं वो भी भगवान के ना, उनका भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको भी प्रणाम करना चाहिए, बट वी कैन कीप देम ऑन द राइट हैंड साइड, तो उससे वो भी बड़े खुश हो जाएंगे, वो जान जाएंगे कृष्णा वाला है ना, कृष्णा वाला मतलब हमारी पार्टी वाला ही है, हम भी कृष्णा वाले हैं, ये भी कृष्णा वाला है ना, सेम 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 सेम, तो वो अपनी ब्लेसिंग आपको देंगे। अगर आप उनको अपने लेफ्ट साइड पर रखकर प्रणाम करेंगे, वो भुलक्कड़ आदमी है, इसको पता नहीं है कुछ, लल्लू लाल है ना, अभी इसको जाओ थोड़ा एडमिशन कराओ इस्कॉन में ना, थोड़ा सीख के आएगा कि कृष्ण तत्व क्या है ना, तो ये मैच्योरिटी का साइन है ना। तो ये सब वैष्णव एटिकेट्स हैं, वैष्णव शिष्टाचार हैं, सदाचार हैं ये, इससे हमारी भक्ति का पता लगता है कितने मैच्योर हो रहे हैं भक्ति में, और हम सुशोभित हो रहे हैं इन वैष्णव सदाचारों से, अपने आप हम डेकोरेट कर रहे हैं अपने आप को इन गुणों से। सो अब जब भी विग्रहों के पास जाते हैं तो प्रणाम करना चाहिए, और साथ में प्रणाम के साथ प्रणाम मंत्र भी बोलना चाहिए। अब कोई है सामने जाके और आप खड़े हो गए हैं, आपने पैर भी छू लिए, बड़ा इम्पर्सनल से लगता है, बड़ी कुछ बात तो करो, पैरी पोना आशीर्वाद दीजिए अपना, वी से समथिंग, वी ग्रीट देम। ऐसे ही जब विग्रहों के सामने जाते हैं तो वी शुड ग्रीट देम। अब हमारे पास वो भाषा तो है नहीं कि आप ग्रीट करें उनको, तो हमारे आचार्य ने बताया, क्या बताया, उनके उनके प्रणाम मंत्र बोलिए, उनको धन्यवाद दीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए। तो ऐसे ही मंदिर में आते हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं, हम प्रभुपाद जी से पहले बाहर होते हैं, जय विजय है ना, जय विजय को प्रणाम करना चाहिए। भगवान के भक्त हैं वो द्वारपाल हैं ना, तो द्वारपाल की कृपा होगी तब हम मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, तो उनको उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर अंदर आते हैं तो सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए, है ना, एकत्रित जितने भी वैष्णव हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर अंदर आएंगे तो हर मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में आपको कौन मिलेंगे, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। कई बार हम शॉर्टकट मार लेते हैं, बोले यहाँ क्या ठाकुर जी तो वहाँ बैठे हैं ना, सीधा चले जाते हैं, नहीं, वो कोई विधि नहीं, वो अविधि है। अगर आप प्रभुपाद जी को प्रणाम किए बिना सीधा ठाकुर जी के पास आ रहे हैं, कोई कृपा नहीं मिलेगी, ठाकुर जी देखेंगे नहीं आपकी तरफ। भगवान खड़े हैं और भगवान के लाखों करोड़ों भक्त हैं ना, भगवान की आँखें तो दो हैं, अब उनसे वो किसको दृष्टि देंगे ना, वो इसको दृष्टि देंगे जो उनके निजी भक्त हैं, जो उनके बहुत निजी हैं, बहुत क्लोज हैं उनके, और पूरे मंदिर में सबसे निजी कौन है, शिल प्रभुपाद की। तो जैसे ही आप प्रभुपाद जी को प्रणाम करेंगे तो भगवान की नज़र तो वहीं पे है ना, तो आप भगवान की नज़रों में आ जाएंगे कि ये मेरे भक्त को प्रणाम कर रहा है, और जो मेरे भक्त का भक्त है भगवान बोलते हैं वो मेरा भक्त है। नाउ दिस डिवोटी इज अ मैच्योर डिवोटी बिकॉज ही इज बोइंग डाउन टू शिला प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी कृपा प्राप्त करना चाह रहा है, तो उस भक्त को भगवान की कृपा मिल जाएगी। तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है, और क्या प्रणाम मंत्र बोलना है, अब तो आ गया आप सबको, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। कितने लोग हैं जिनको अभी ये नहीं आता, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करिए, जिनको अभी नहीं पता है, ओके तो आप सबसे अनुरोध है कि एक बुक है, छोटी सी बुक है, ओनली 10 रुपीज, उसका नाम है हरि नाम कीर्तन निर्देशिका, उसमें आपको सारे प्रणाम मंत्र मिलेंगे, सारी आरतियाँ मिलेंगी ना, जो हम सुबह सुबह आरती करते हैं, शाम को आरती करते हैं, दिन में आरती करते हैं, वो सारी आरती मिलेगी आपको, मंगल आरती, गौर आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, तो वो बुक ले लीजिए ना, और वो हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। और क्या करना है, हर रोज उसको बस पढ़ लीजिए आप, एज ए रीडिंग पढ़ लीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम आरती याद करेंगे, प्रणाम मंत्र याद करेंगे, प्रणाम मंत्र कभी याद नहीं किए जाते, आरती कभी याद नहीं की जाती, उनको बोला जाता है, हर रोज बोलेंगे याद हो जाएगा, अभ्यास इन तो कौनते है, अभ्यास करिए आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, फिर आप ऑल्टर के सामने आए, तो फिर ऑल्टर आएगा, मान लीजिए गौर निताई का ऑल्टर आया, तब उनको प्रणाम करते हैं और उनको उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं। तो क्या प्रणाम मंत्र है गौर निताई का, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है, नमो महावदन्याय, कितने कृपालु आप, महावदन्याय हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण का प्रेम दे देते हैं, इतने कृपालु हैं,
वो कृष्ण का प्रेम जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, जिसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत भक्ति करनी पड़ती है, आप फ्री में सबको दे देते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो कितने महावदान है, कितने कृपालु हैं आप। कृष्ण प्रेम बदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप स्वयं कृष्ण ही हैं मगर कृष्ण चैतन्य के नाम से आए हैं, नाम ने गौर तुषे नवा, ये आपका नाम है, तो ऐसे गौरांग महाप्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साथ में पंच तत्व मंत्र भी हम बोल सकते हैं, पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। तो इस प्रकार पंचतत्व को हम प्रणाम कर सकते हैं। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरि नाम भी लेना चाहिए पंचतत्व के सामने, क्योंकि पंचतत्व ने रिकमेंड किया हरि नाम, तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि हाँ मेरी मुझे तो प्रणाम कर रहा है मगर उससे मैं खुश नहीं हूँ। गौरांग महाप्रभु क्या चाहते हैं कि किसका नाम लो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम। तो हम चैतन्य महाप्रभु को भी प्रणाम करते हैं मगर वो जो चाहते हैं हरि नाम वो भी लेते हैं। फिर आप जाते हैं राधा कृष्ण के पास ना, तो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग विग्रह होते हैं राधा कृष्ण के अलग अलग नामों से ना, तो यहाँ पर रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं, आप ईष्टो कैलाश में जाइए तो वहाँ पर राधा पार्थसारथी हैं, आप जूहू में जाएंगे तो राधा रास बिहारी हैं, आप कुरुक्षेत्र में जाएंगे तो राधा राधाकांत हैं, आप वृंदावन में जाएंगे तो राधा श्याम सुंदर हैं, राधा दामोदर हैं, राधा माधव हैं, राधा गोविंद हैं, राधा मदन मोहन हैं, राधा गोकुलानंद हैं, तो बहुत सारे विग्रह हैं, तो उनको आप प्रणाम कर सकते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र, और फिर हम श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अब कुछ मंदिरों में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी के विग्रह होते हैं, तो उनका प्रणाम मंत्र क्या है, रामाय रामचंद्राय राम भद्राय मेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पते नमः। तो जो सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का ऑल्टर है उनको ये प्रणाम कर सकते हैं हम। और कहीं जगन्नाथ जी का विग्रह भी स्थापित होता है तो उनको प्रणाम कर सकते हैं हम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। नीलाचल निवासे नित्य ए परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या श्री जगन्नाथाय ते नमः। इस प्रकार हम विग्रह को प्रणाम कर सकते हैं, और प्रणाम के साथ साथ प्रणाम मंत्र भी बोलना चाहिए। और जब वैष्णव मिलते हैं तो फिर हम वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। जैसे आप मंदिर में अंदर आए तो आप सबसे पहले प्रणाम करिए, चौखट पे प्रणाम करिए सारे वैष्णवों को, और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। तो इस प्रकार आपने क्या किया, सारे वैष्णव के ब्लेसिंग मिल गई आपको, और फिर उस ब्लेसिंग्स के साथ आप भगवान के पास पहुंच रहे हैं उनकी उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी कृपा लेने के लिए। तो ये मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, भक्तों के माध्यम से हम भगवान की ओर पहुंचते हैं। तो भाव क्या है कि हम भगवान के पैरों को छू रहे हैं अपने दोनों हाथों से, और अपने आप को पूर्ण शरणागत भाव में प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान को। चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली में पहुंचे थे तो वहां पे उनके बहुत ही निजी भक्त थे दो, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। पहले उनका नाम था दबीर खास और साकर मलिक, फिर चैतन्य महाप्रभु ने बाद में उनका नामकरण किया था, उनको वैष्णव नाम दिए थे। भक्त तो पहले से ही थे मगर एक उनका जन्म वहाँ पे एक मुस्लिम जो मंत्री है, मुस्लिम राजा है, उसके मंत्रालय में कार्यरत थे वो, तो इसलिए उनका नाम भी वहाँ पे चेंज हो गया था। तो फिर जब वो मिले चैतन्य महाप्रभु से तो क्या किए, दंते तीर्णा धरी ना, मुंह में
तिनका लेके चैतन्य महाप्रभु के समक्ष और पूरे फॉल डाउन दंडे के समान गिर गए। तिनका लेके मतलब कि हमारी स्थिति यही है महाप्रभु, हम तिनके से कोई बड़े नहीं है ना, वी आर सो फॉलन। तो इस प्रकार रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जितने महान आचार्य हैं ना, सारे जो आचार्यगण उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, फाउंटेन हेड हैं वो सारे सारे वैष्णव संप्रदाय के, वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी यहाँ पे क्या बड़ी विनम्र भाव में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम तो एक तिनके के समान, वी आर सो स्मॉल, वी आर सो फॉलन, हम इतने तुच्छ हैं। अमानी ना भाव में अपने आप को तृण से भी नीचा मानते हुए वो महाप्रभु के समक्ष अप्रोच किए। तो ये भाव होना चाहिए जब भी हम मंदिर में आए, हाँ हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हाँ हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, हाँ हम करोड़पति हैं, हाँ हम बहुत बड़े मंत्री हैं, मगर मंदिर में आके हम भगवान के दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। दैट इज आवर पोजिशन, दैट इज आवर ग्लोरियस पोजिशन। एक हमारे भक्त थे ईस्ट ऑफ कैलाश में, उनका कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में सेवा थी, तो नए नए ब्रह्मचारी बने थे, तो उनकी सेवा थी कि जब भी कोई मिनिस्टर्स आएंगे या कोई हाई पॉलिटिकल क्लास से लोग आएंगे तो उनको दर्शन कराएंगे मंदिर में। तो मेरे खास मित्र थे तो आगे बताते थे, बोले प्रभु जी आज ये मंत्री आए, ये मंत्री आए। बोले क्या बात करी अपने, बोले बात छोड़ो, सबसे पहले उनको प्रणाम कराता था मैं ना, बहुत बड़े मंत्री होंगे मगर पहले हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करो आप ना। तो बोले मैं बोलता था आपको दोबारा आना ना सरकार में, या आपके 5 साल चलाना है ना, तो आ जाओ यहाँ प्रणाम कर लो, तो झुक के प्रणाम कर लेता था वो। तो सबसे पहले मैं प्रभुपाद जी की कृपा दिलाता था उसको, ठाकुर जी की कृपा दिलाता था, उसके बाद उससे बात करता था। तो भक्त भी जानते हैं ना कि हमारे ठाकुर जी से बड़ा कोई है नहीं, तो उनकी कृपा से ही पूरा संसार चल रहा है, तो हमारे जो प्राण वायु है वो भी अंदर बाहर हो रही है क्योंकि ठाकुर जी ने अलाउ किया है ना। सुबह सुबह ये प्रणाम करना चाहिए हमें ना, हमें वेट नहीं करनी चाहिए मंदिर आएंगे, सुबह जब पहली जो श्वास लेते हैं उस समय झुक के प्रणाम करना चाहिए हमें। एक भक्त ने बताया था कि 3 व्यक्तियों को हमेशा याद रखिएगा जब सुबह उठते हैं, पहले तो शिला प्रभुपाद है जिनका स्थान हमारे जीवन में कोई ले नहीं सकता, तो सबसे पहले उनको धन्यवाद कीजिए। फिर दूसरा उन भक्तों को धन्यवाद कीजिए जो हमें भक्ति में लाए हैं, जो हमें भक्ति में मेंटेन कर रहे हैं, हर उस भक्त का धन्यवाद कीजिए। एवरी डे वी शुड रिमेंबर ऑल दोज डिवोटीज, तो भक्ति में कभी अहंकार नहीं आएगा क्योंकि दिन के शुरुआत में ही आपने उन भक्तों को याद कर लिया। यू आर एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड, आप अपने कृतज्ञता उन भक्तों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और तीसरा फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए, तो इस प्रकार फिर वो जो जीवन है बड़ा मंगलमय हो जाएगा आपका, वो पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि अब अहंकार चूर चूर हो चुका है। आप जान रहे हैं कि मेरी स्थिति इन भक्तों के ऊपर निर्भर है, मेरी प्राणवायु इन भक्तों के ऊपर निर्भर है, यही मेंटेन कर रहे हैं मेरे जीवन को। सो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन भक्ति। तो प्रणाम, अभी हो सकता है कि वो भाव ना हो हमारे अंदर, मगर क्या करना है, एक्सटर्नली करना है, बार बार करना है, वो करते करते वो भाव जागृत हो जाएगा। कई बार जो सामने जगह होगी बड़ी मिट्टी वाली होगी, सफाई नहीं होगी, उस पर भी प्रणाम करना है, ये नहीं कि बस हम तो वही कर देंगे, हम तो कारपेट पर करते हैं जी, कारपेट वाले भक्त हम नहीं, जैसे ठाकुर जी को देखा तो प्रणाम करना है। इनफैक्ट वैष्णवों को तो ऐसे बताया जाता है, वैष्णवों को गुरुजन को, कि जहाँ देखें आप प्रणाम करें, चाहे सड़क पे हो, एयरपोर्ट पे हो, कहीं पे भी हो, प्रणाम करना चाहिए और सामने से प्रणाम करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी ने प्रणाम किया था नित्यानंद प्रभु को, पीछे से महाप्रभु सामने लाए और सीधा उनकी छाती पे वार किया, बोले रघुनाथ क्या कर रहे हो तुम ना, पीछे से प्रणाम कर रहे हो, पीछे से तो चोर काम करते हैं ना, चोर चोरी कब करता है ना, जब कोई व्यक्ति नहीं होता उसके पीछे से करता है, तो तुम चोरी कर रहे हो, सामने आके प्रणाम करो। तो नितिन वो बताना चाह रहे हैं कि आपका ये जो प्रणाम करने का उसका औचित्य क्या है, हृदय में विनम्रता लाना, अपने अहंकार को चूर करना, तो उसके लिए सामने आना पड़ेगा। कई बार हम पीछे से प्रणाम कर लेते हैं, सामने आने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि डर लगता है सामने आएंगे तो सेवा दे देंगे हमें, फंस जाएंगे हम लोग, नहीं सामने से प्रणाम करना चाहिए। और इनफैक्ट ये भी बताया गया कि जैसे ही वैष्णवों को देखें तो खुशी होनी चाहिए मन में, और जो मन में खुशी है वो हमारे स्माइल से सामने निकलनी भी चाहिए, एक्सप्रेस भी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप वैष्णवों को देख के प्रसन्न नहीं हो रहे ना, तो हृदय में पाप है, चोर है बैठा अंदर, तो एकदम से खुश होना चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए, अरे वैष्णव का दर्शन हुआ। कई बार आप मेट्रो में जा रहे हैं और सामने ड्यूटी दिख जाता है, कितना खुश हो जाते हैं, बोले आज पार्टी होगी, लॉटरी लगी है मेरी ना, भक्तों का दर्शन हो गया, ये सारे अरे गहरे नथु लोगों का यार दर्शन कर करके देख देख के दिमाग खराब हो गया, मगर हाँ ये चमकता हुआ चेहरा, ये लोटस अब खिला है ना इस कीचड़ में ना, इस भौतिक संसार के कीचड़ में भक्तों का दर्शन हुआ है।
तो ये भाव बनाना चाहिए हमें कि भक्तों का स्मरण हो, हमें भक्तों का दर्शन हो और हृदय में खुशी आए उससे। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम अपनी भक्ति की मैच्योरिटी और भक्ति के एडवांसमेंट को भाप सकते हैं कि कहीं वैष्णव को देख के हमारे अंदर ईर्षा द्वेष तो नहीं हो रहा है ना, उसे दूर भागने की इच्छा तो नहीं हो रही है। तो अगर ये भावना है दैट मीन्स कि अभी हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है, और सिंसियर बनने की आवश्यकता है, अपने अनर्थों से अभी और जूझने की आवश्यकता है। मगर हाँ, अगर जब भक्तों को देख के बहुत मन खिलता है, खुश होते हैं हम ना, हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि है ना ये फ्राइडे कब जाएगा, सैटरडे कब आएगा, संडे कब आएगा, वो वेट करते रहते हैं हम। और जिस दिन मंडे आता है, सिर पे माथे पे हाथ रखते हैं और फिर अपने दुर्भाग्य को कोसते हैं, यार क्या फिर आ गया यार मंडे, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा यार, जैसे कैसे करके, अरे फिर फ्राइडे आ गया, ये पार्टी। तो उस दिन की अगर वेट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कि हाँ भक्ति में एडवांस कर रहे हैं। तो वो सुखता, वो लोलुपता ना, वो लोभ बना चाहिए, दैट ग्रीडीनेस शुड बी देयर ना, टू सी द वंडरफुल फेसेस ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड ना, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण बैठे हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो उनका दर्शन करना है। तो ऐसे वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए मैं, है ना। अब ये नहीं देखना चाहिए कि जो वैष्णव है मेरे से बड़ा है, ये वैष्णव मेरे से छोटा है, तो इसको प्रणाम नहीं करेंगे, बड़े वालों को करते हैं, बड़े लोग हैं ना, तो बड़े लोग बड़े लोगों को पकड़ते हैं प्रणाम, ऐसा नहीं। तो भौतिक संसार के जो नियम है वो आध्यात्मिक संसार में काम नहीं करते हैं ना। जैसे मटेरियल वर्ल्ड में जो करोड़पति और करोड़पति के साथ कंधा लेके चलता है ना, उन्हीं के साथ उठना बैठना चाहता है वो। मैंने करोड़पति लखपति के साथ भी देखा ना, छोटा आदमी है ना, छोटे स्टैंडर्ड का है। मगर यहाँ तो हमें जानना पड़ेगा कि जो भी हरि का नाम ले रहा है वो भक्त है, वो वैष्णव है, उसको प्रणाम करना चाहिए। भक्ति में जो जितना बड़ा हो जाता है वो उसको ऐसे लगता है कि मैं सबसे छोटा हूँ। जो फलदायी वृक्ष है वो क्या करता है, झुकता है ना, स्वतः ही झुकने लग जाता है और अपने जो फल फूल है सबको देने लग जाता है। ऐसे ही जो एडवांस भक्त है वो भी झुकता है, वो प्रणाम करता है। किसको प्रणाम करता है, सबको प्रणाम करता है। उसको पता नहीं है कि कौन मेरे से बड़ा है, कौन मेरे से छोटा है, वो सबको प्रणाम करता है, सबको कृष्ण का भक्त देखता है, सबको हरि का भक्त मानता है और सबसे कृपा की याचना करता है, सबसे वो ब्लेसिंग्स लेना चाहता है। और इसलिए बड़े भक्ति में और जल्दी वो एडवांस करता रहता है। तो जहाँ पे डिस्टिंक्शन नहीं कि ये बड़ा है छोटा है, ये पहले वाला ये बाद वाला है, ये तो अभी आए हैं जी, ये 3 महीने वाले भक्त हैं ना, ये तो छोटी क्लास वाले हैं, बेस्ट 2 वाले हैं ना, ऐसा भाव रहेगा तो फिर हम भक्ति में और गिर जाएंगे, पतित होते जाएंगे ना। देखिए गिरने का डर किसको लगता है ना, जो ऊपर है वही तो गिरता है ना, जो ऊपर बैठा होगा वो गिरेगा ना, जो नीचे है वो क्या गिरेगा बेचारा, वो पहले नीचे है। तो ऐसे जब हम अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे है ना, अपने आप को बहुत ही विनम्र रखेंगे तो फिर गिरने का डर नहीं है, भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे ना। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ दैट डिवोटी। ओके, तो यह प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे।